हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लैब्स ऑन ट्रिक एजुकेशन। आज इंग्लिश रा मॉक टेस्ट 43 को प्रैक्टिस करिबा। जेउ माने पूर्व मॉक टेस्ट गुड़िक देखि नाहते 142 पर्यंत प्लेलिस्ट अच्छे जाकि देखि परिबे। चलंतु आउ डेरी करिबानी, आजर मॉक टेस्ट को स्टार्ट कर देबा। क्वेश्चन नंबर 1 देखंतु, फाइंड द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। गिवन वर्ड दिछे एम्पल। एम्पल रा सिनोनिम कोन हिजबो, तार प्रतिशब्द कोन हिजबो। ऑप्शन ए सफिशिएंट, ऑप्शन बी वेग, ऑप्शन सी कंसिस्टेंसी, ना ऑप्शन डी डाउटफुल। प्रथमे आपण मानको जानिबापाई पड़िबा आम्पल रो माने कोन। आम्पल होची प्लेंटी ऑफ, एनफ, प्लेंटी ऑफ, एनफ, सेटा होची आम्पल, माने सफिशिएंट तार सिनोनिम हिजबो। सो हेर करेक्ट आंसर टी होची ऑप्शन ए सफिशिएंट, बुझियला। ऑप्शन बी देखंतु भेग हेबोनी। भेग कोन, भेग होची अनसर्टन, अनक्लियर, इंडेफिनाइट, आपण माने अनसियोर भी कहि परिबे। जानले भेग कोन, भेग होची अनसर्टन, अनक्लियर, जोटा के अस्पष्ट, अनसर्टन होइतिबो, अस्पष्ट होइतिबो, इंडेफिनाइट होइतिबो, जोटा कि डेफिनाइट नुहे, माने अनसर्टन, अनक्लियर, बुझियो जे सेटा होची भेग। ऑप्शन सी कंसिस्टेंसी भी हेबनी। कंसिस्टेंसी त आपण माने समस्त जानचंदे। ऑप्शन डी देखंथु डाउटफुल। डाउटफुल भी आपण माने जानचंदे, जोटा कि अनक्लियर, क्लियर नथिबो, सेटा होची डाउटफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देछि सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आमे करेक्टली स्पेल्ड वर्ड को बाछिबा। ऑप्शन ए वेलफुल, ऑप्शन बी विलफुल, ऑप्शन सी विलफुल, ना ऑप्शन डी विलफुल। डब्ल्यू आई एल एफ यू एल, सेटा होची विलफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देछि लायंस शेयर्स। एही इडियम फ्रेज रा अर्थ कोन। ऑप्शन ए अनेबल टू अंडरस्टैंड, ऑप्शन बी लार्ज पार्ट, ऑप्शन सी टू कम्युनिकेट योर आइडियाज, फीलिंग्स एटसेट्रा, ना ऑप्शन डी इन डिफिकल्ट सिचुएशन विदाउट हेल्प और मनी। लायन शेयर, लायन रेयर अधिक होता है, तो यार करेक्ट आंसर टी ऑप्शन बी लार्ज पार्ट। सो यार करेक्ट आंसर टी होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन ए हेबनी, अनेबल टू अंडरस्टैंड हेबनी, ऑप्शन सी हेबनी, कि ऑप्शन डी मध्य हेबनी। लायन रेयर अधिक होता है, आप समस्त जानते, से लार्ज पार्ट होगा। यहीपर भाव में मन रखनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए पब्लिक बिल्डिंग व्हेयर वेपन्स आर मेड मेड एंड स्टोर्ड। पब्लिक बिल्डिंग रे जोठारे कि वेपन्स, वेपन्स होचे हथियार गुड़ा जो रखा है थे तियारा हुए एवं सेठारे रखा जाय थे, से पब्लिक बिल्डिंग को कौन कह जीव। ये होचे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन। ऑप्शन ए इरिकन्सिलेबल, ऑप्शन ऑप्शन बी पिगीबैक, ना ऑप्शन सी आर्सेनल, ना ऑप्शन डी नॉन। यार करेक्ट आंसर टी जीव ऑप्शन सी आर्सेनल। पब्लिक बिल्डिंग व्हेयर वेपन्स आर मेड एंड स्टोर्ड इज कॉल्ड आर्सेनल। ओके, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, मन रखने वे ऑप्शन ए बी डी एलिमिनेट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए द डेट ऑफ द फंक्शन डज नॉट नीड डिसाइडेड येट। फंक्शन रो डेट ए जाए डिसाइड है ही ना है, बुझेला। ताले फंक्शन रो डेट माने ये होची सिंगुलर नाउन। फंक्शन रो डेट बुझिया पय ट्राई करंतु, जेहेतु सिंगुलर नाउन होची फंक्शन रो पर्टिकुलर डेट ए पर्यंत डिसाइड है नी, तो सिंगुलर नाउन होची सिंगुलर वर्ब रे यूज हेजबो। ताले आंसर कौन हिजिब, ऑप्शन ए हेबो, बी हेबो, सी हेबो, ना डी हेबो। यार करेक्ट आंसर टी हिजिब ऑप्शन डी हाज। काहे कि हाज रे यूज हेगला ना डिसाइडेड अछि, बुझियो छै, वर्ब थर्ड फॉर्म अछि, ताले सेति पे सिंगुलर वर्ब रे यूज हे कि हाज हेगला। हाज हैव हर्ड ही वर्ब थर्ड फॉर्म नै थांति। सो यार करेक्ट आंसर टी हेला ऑप्शन डी, ऑप्शन ए हैव हबनी। यदि प्लुराल नाउन देथांता ताले हैव रे यूज हेथांता। ऑप्शन बी वाज हबनी, वाज होछि पास्ट यूज हेथाय। ऑप्शन सी इज मध्य हबनै। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देछि सी हैज फिनिश्ड राइटिंग द आर्टिकल डैश। ऑप्शन ए हैज सी, ऑप्शन बी इजंट सी, ऑप्शन सी हैजंट सी, ना ऑप्शन डी इज इट। देखंतु ये होची क्वेश्चन टैग रो क्वेश्चन। क्वेश्चन टैग रे कोन हेताय, जदि पॉजिटिव पॉजिटिव थाय ताले नेगेटिव रे कन्वर्ट हेताय, जदि नेगेटिव थाय ताले पॉजिटिव हेताय। ए सेंटेंस टी केउथरी अछि ना पॉजिटिव रे अछि। सी हैज देखंतु पॉजिटिव अछि, जेहेतु पॉजिटिव अच्छे नेगेटिव रे कन्वर्ट हो कौन हो हाज एंड सी हो। सो यार करेक्ट आंसर टी होची ऑप्शन सी, कहीं हाज अच्छे से हाज रे नॉट लगिज एवं तापरे सी रहिबो। ओके, ऑप्शन ए बी डी एलिमिनेट हो हाज एंड सी। जदि ऑप्शन ए हाज नॉट सी दे था ताले ये करेक्ट फॉर्म हो न था, ये रॉन्ग हो था। ओके, हाज एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखे फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड को बाछिबा। ऑप्शन ए रिपीटेशन, ऑप्शन बी रिपीटेशन, ऑप्शन सी रिपीटेशन, ना ऑप्शन डी रिपीटेशन। रिपीटेशन रो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन हिजबा, प्रथमे आमे रफ रे लिखि नबा आर ई पी ई रिपीटेशन।
टी आई टी आई ओ एन सेटा होचे रिपिटिशन रिपीट करिवा माने बारंबार से कथा पुनः पुनः बारंबार बुझियो छे सो यार करेक्ट आंसर सेटे होचे ऑप्शन बी ऑप्शन ए एलिमिनेट हि जीव ऑप्शन सी सही परि भाबरे एलिमिनेट हि जो काहे कि ना पी आई दे देला ऑप्शन सी रे भी पी आई देला पी ई हेबो ऑप्शन डी रे पी ई देछि किंतु टी ई दे देला सेति पई एलिमिनेट हे गला टी आई ओ एन हेबो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिवा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर एट देछि नेवर गिव योर फ्रेंड्स डैश ऑप्शन ए कॉल्ड आर्म ऑप्शन बी द कॉल्ड एल्बो ऑप्शन सी द कॉल्ड शोल्डर ना ऑप्शन डी द कॉल्ड हैंड यार करेक्ट आंसर टी हिजबो ऑप्शन सी द कॉल्ड शोल्डर नेवर गिव योर फ्रेंड्स द कॉल्ड शोल्डर अर्थ कौन पे नो अटेंशन माने तुम सांग प्रति अवहेला करिबा उचित नुहे बुझेला नेवर गिव योर फ्रेंड्स द कॉल्ड शोल्डर ये होची गोटे इडियम आपण मन को मन रखिया पई पड़िबा नेवर गिव योर फ्रेंड्स द कॉल्ड शोल्डर हिजबो ऑप्शन ए हेबनी बी हेबनी किंबा डी मध्य हेबनाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइन क्वेश्चन नंबर नाइन देछि आई विश आई डैश ए पेन ऑप्शन ए वेयर ऑप्शन बी वाज ऑप्शन सी आम ना ऑप्शन डी बी आई विश आई वेयर ए पेन सपोज मु एया हेई थांती ताहले मु सेया करि पार थांती बुझुउछि सेही क्षेत्र रे वेयर यूज हेथाय आई विश मु इच्छा करुछि मु गोटे पेन हेबा पई सपोज अर्थ को सूचित करुछि जे मु पेन हेबा पई इच्छा करुछि चाहुछि सेथि पई वेयर यूज हेला ऑप्शन बी सी डी एलिमिनेट हिजिबे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टेन क्वेश्चन नंबर टेन देछि दिस इज एंटायरली डैश यू एंड मी ऑप्शन ए बिटवीन ऑप्शन सी एमंग ऑप्शन सी फ्रॉम ना ऑप्शन डी एमिडेस्ट यार करेक्ट आंसर टी हिजबो ऑप्शन ए बिटवीन काहेकि बिटवीन हला कहिले दिस इज एंटायरली एहा होउछि संपूर्ण भाबरे तमर मोर कथा बुझियौछि एहा होउछि संपूर्ण भाबरे तमर मोर कथा माने आमे दुई जण होउछन्ते तमे आउ मु सेथि पई बिटवीन रो यूज हिजबो काहेकि ना दुई जण थिले बिटवीन रो यूज हेता एमंग तो बहु जण को भीतर हेता जदि बहु जण थिबे ताहले एमंग रो यूज हेबो ऑप्शन बी एलिमिनेट हिजबो ऑप्शन सी भी हेबो नि कि ऑप्शन डी मथे हेबो नै नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11 दिजे द लिटिल बॉय रैन डैश फास्ट दैट ही वाज डैश फॉर ब्रेथ ऑप्शन ए टू फाइटिंग ऑप्शन बी सो गैस्पिंग ऑप्शन सी वेरी स्ट्रगलिंग ना ऑप्शन डी सो इनहेलिंग यार करेक्ट आंसर दिजबो ऑप्शन बी सो गैस्पिंग द लिटिल बॉय रैन सो फास्ट लिटिल बॉय टी छोट बालकटी बहुत जल्दी दौड़ुछि बहुत जोरे दौड़ुछि दैट ही वाज गैस्पिंग फॉर ब्रेथ जहाफल से जोर जोर निश्वास नौछि बुझियौछि जहाफल से जोर निश्वास नौछि एवं निश्वास नबारे ताको कष्ट होछि आपण माने जानिथिबे जोरे दौड़ी देले आमे जोर जोर निश्वास नै थांदे समस्ते सेथि पय हर करेक्ट आंसर टी जेबो ऑप्शन बी सो गैस्पिंग गैस्पिंग रो अर्थ होछि टू ब्रीथ लाउडली लाउडली ब्रीथ करिवा लाउड जोर रे निश्वास नबा विथ डिफिकल्टी एवं कष्ट होतबा हमको आमे जोर रे दौड़ले हमको कष्ट होइते एवं आमे लाउडली आमे जोर रे निश्वास नै थांदे ट्राइंग टू गेट मोर सो हर एप्रोप्रिएट करेक्ट आंसर टी जेबो ऑप्शन बी सो गैस्पिंग ऑप्शन ए टू फाइटिंग हेबनी फाइटिंग हेबो कि फाइटिंग फॉर ब्रीथ से ब्रीथ पई फाइट करुचि नो गैस्पिंग हिजबो ऑप्शन सी स्ट्रगलिंग हेबनी स्ट्रगलिंग फॉर ब्रीथ हेबनी सेति पई ऑप्शन सी एलिमिनेट हेला ऑप्शन डी सो इनहेलिंग इनहेलिंग मध्य हेबो नै इनहेल करिवा से इनहेल करूनी ओके गैस्पिंग करुचि इनहेल माने आपण माने जानथिबे जार श्वास रोग थाय से माने इनहेल करथांती ऑप्शन डी मध्य एलिमिनेट हिजबो सो गैस्पिंग हिजबो द लिटिल बॉय रैन सो फास्ट सो होउछि एडजेक्टिव किंबा एडवर्ब पूर्वरु सो रो यूज हेथाय फास्ट अच्छी रैन भर्ब अच्छी किपरी दौड़ुची फास्ट दौड़ुची ताहले भर्ब होउची भर्ब विषय रे किए अधिक तथ्य दौची ना फास्ट वार्डटी अधिक तथ्य दौची से फास्ट एठार गोटे होउची एडवर्ब होइगला एवं एडवर्ब आ गोटे एडवर्ब को क्वालिफाई करिथाय केते जोरे ना बहुत जोरे जोरे तो फास्ट केते फास्ट ना सो फास्ट बुझेला सो मध्य ठार गोटे एडवर्ब ताहले भर्ब एडवर्ब को क्वालिफाई कला एडवर्ब बुझेला गैस्पिंग तो हिजबो गैस्पिंग रो अर्थ ऑलरेडी मु कहि सारछि गैस्पिंग रो अर्थ होउछि जोर निश्वास नबा विथ डिफिकल्टी बुझियला सेटा होउछि गैस्पिंग टू केउठारे यूज हेथाय कहिले टू होउछि टू मध्य एडजेक्टिव एवं एडवर्ब पूर्वरु यूज हेथाय किंतु टू होउछि नेगेटिव एक्सप्रेशन देखैथाय जेपर कि इट्स टू हॉट माने नेगेटिव एक्सप्रेशन दर्शाउछि जे हा एहा होउछि बहुत हॉट जोटा कि प्रॉब्लेमेटिक सिचुएशन क्रिएट करिवो एहा हॉट माने मोर प्रॉब्लम होउछि त मु सेति पई कहली इट्स टू हॉट बुझियला टू होउछि नेगेटिव एक्सप्रेशन को सूचित करथाय एवं प्रॉब्लेमेटिक सिचुएशन रे टू रा यूज हेथाय माने प्रॉब्लम क्रिएट होतबो बुझियला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा
नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, एवरी ईयर मिलियंस ऑफ टूरिस्ट डैश द अन्ना सेंटेनरी लाइब्रेरी इन चेन्नई। ऑप्शन ए विजिटिंग, ऑप्शन बी विजिट, ऑप्शन सी आर विजिटिंग, ऑप्शन डी विजिटेड। एवरी ईयर मिलियंस ऑफ टूरिस्ट, देखो मिलियंस ऑफ टूरिस्ट माने प्लुराल नाउन हो गला, जेहेतु प्लुराल नाउन हो गला प्लुराल वर्ब यूज होगा, ऑप्शन ए एलिमिनेट हो, ऑप्शन बी आर विजिटिंग हेबनी, ऑप्शन डी विजिटेड हेबनी, यार करेक्ट आंसर टी होची ऑप्शन बी विजिट। एवरी ईयर मिलियंस ऑफ टूरिस्ट विजिट द अन्ना सेंटेनरी लाइब्रेरी इन चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देछि, अंजु इज डैश लता मंगेशकर ऑफ आवर स्कूल। ऑप्शन ए आन, ऑप्शन बी द, ऑप्शन सी नो आर्टिकल, ऑप्शन डी ए। अनु इज द लता मंगेशकर ऑफ आवर स्कूल हिजबो, सो यार करेक्ट आंसर टी होची ऑप्शन बी, ऑप्शन ए सी डी एलिमिनेट हो। आपण मन में क्वेश्चन आसो मैम कहीं द आर्टिकल यूज हो गला, लता मंगेशकर को उच्चारण कले तो कनसनाट साउंड आस रही यूज है, द रही यूज हो गला। देखु अंजु को लता मंगेशकर सहित तुलना करें एटारे द आर्टिकल यूज हो गला। अंजु इज द लता मंगेशकर ऑफ आवर स्कूल, आम स्कूल लता मंगेशकर होची अंजु, से जेहेतु तुलना कर लता मंगेशकर सहित से द आर्टिकल यूज हो गला, बुझीगला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, नॉन बट डैश ब्रेव डिजर्व्स द फेयर। ऑप्शन ए द, ऑप्शन बी ए, ऑप्शन सी आन, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। एठार आम आप्रोप्रिएट आर्टिकल को बाछवा, आप्रोप्रिएट आर्टिकल टीजा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी ए, नॉन बट ए ब्रेव डिजर्व्स द फेयर। ओके, गोटे ब्रेव साहस ही डिजर्व करे फेयर को, ऑप्शन ए हेबनी, ऑप्शन सी हेबनी, किंबा ऑप्शन डी मध्य हेबना। ब्रेव को उच्चारण करंतु कनसोनेंट साउंड आसीबो से ए आर्टिकल यूज हो गला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, एबे क्वेश्चन नंबर 15 देखंतु, क्वेश्चन नंबर 15 देछि, 6 टाइम्स 5 डिवाइडेड बाय 2 - 15। ऑप्शन ए हैज, ऑप्शन बी इज, ऑप्शन सी आर, ना ऑप्शन डी नॉन। देखंतु 6 टाइम्स 5 डिवाइडेड बाय 2, देखंतु किछि बुझिबा नै, 6 टाइम्स 5 डिवाइडेड बाय 2 अछि ना, ताले ये गोटे कोन, ये होछि गोटे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जेहेतु मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देचे से सिंगुलर वर्ब यूज होती सिंगुलर वर्ब यूज ऑप्शन बी इज हो। 6 टाइम्स 5 डिवाइडेड बाय 2 इज 15, ऑप्शन ए सी डी एलिमिनेट हो जाए। मन रखिने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन थी सिंगुलर वर्ब यूज हे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, एवं क्वेश्चन नंबर 16 देखते, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, आई सेड टू यू ही शुड नॉट बी ट्रस्टेड। देखु नरेसन रु क्वेश्चन आसीगला, सेट टू पर देखु यू अच्छी ना ऑब्जेक्ट अच्छी ना, ऑब्जेक्ट थी सेट रही कि सेट रही, ऑप्शन ए टोटली एलिमिनेट हो, एलिमिनेट हो कहीं सेट अच्छी टल्डे परिणत हे, आई टोल्ड यू दैट हे। देखो ऑप्शन बी रे आई टोल्ड यू दैट देसी, ऑप्शन सी रे आई टोल्ड यू दैट देसी, किंतु ऑप्शन डी रे कौन देसी, आई टोल्ड यू ही देदेला, दैट को छाड़देला, कमा इनवर्टर कमा उठले दैट रे चेंज दैट हो जाए, तो ऑप्शन डी भी एलिमिनेट हो कहीं दैट ना ही, ही शुड नॉट बी ट्रस्टेड। ऑप्शन बी रे देछि ही कैन नॉट बी ट्रस्टेड देछि, शुड रो कौन कैन नॉट हो कि, शुड नॉट रो कौन कैन नॉट हो कि, हबनी, ऑप्शन बी भी एलिमिनेट हो। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट अच्छे माने रिपोर्टेड स्पीच पास्ट रहिबो, सो यार करेक्ट आंसर टी हो ऑप्शन सी, आई टोल्ड यू दैट ही शुड नॉट बी ट्रस्टेड, बुझेला। एबे क्वेश्चन नंबर 17 देखंतु, क्वेश्चन नंबर 17 देछि, ही सेज आई गो फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग। ये मध्य नरेसन रो क्वेश्चन, देखंतु रिपोर्टिंग वर्ब एठारे प्रेजेंट रे अछि, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट अछि जानी पछंति, कमा इनवर्टर कमा उठिले दैट रे कन्वर्ट हो जइबो, दैट दैट लागिबो, ताले ही सेड हबो कि, ऑप्शन ए टोटली एलिमिनेट हो, ऑप्शन बी ही सेज देछि, ऑप्शन सी देखंतु सेड देछि माने टोटली एलिमिनेट हो गला, सेड तो हबनी से सेज ही रहइबो, ऑप्शन सी सी सेज देछि, से कहुचि आई गो फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग, मु प्रतिदिन सकाळे चलिया पई जाउचि, ताले आमे कहिबा से कहुचि जे से प्रतिदिन सकाळे चलिया पई जाउचि, ताले आई क्या अनुसार चेंज हेबो, आई होचि ही अनुसार चेंज हो जइबो, बुझि होचि, ताले कोन हे जइबो, आई गो फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग हेबो ना सी गो फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग हे जइबो, सी नहले ही हे जइबो, ही गो फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग हे जइबो, ही हे जइबो, देखंतु ही हे जइबो, क्वेश्चन ही अछि, ओके, ही सेज दैट ही गोज फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग, सो हेर करेक्ट आंसर टी होचि ऑप्शन बी, ऑप्शन डी काहे के एलिमिनेट हला बुझेला, काहे कि ना आई दे दिथला, आई कोन आई सही परि भाबरे रहइबो कि, आमे कहिला बले कोन कहबा, से प्रतिदिन सकाळे चलिया पई जाउछि कहबा,
तो आई कहवा कि कहानी से ऑप्शन डी एलिमिनेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा एबे क्वेश्चन नंबर 18 देखो। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए सी इज रीडिंग द बुक एव्री डे, ये हूँ एक्टिव पैसिव वॉइस रो क्वेश्चन। इज रीडिंग देना आई एन जी भाव मेन भाव में आई एन जी फॉर्म दे माने बीइंग रो तो लग बीइंग लगे ही लगे पैसिव रे बीइंग निहाती लगे। ताल देखंतु के को ऑप्शन रे बीइंग अछि, ऑप्शन ए रे बीइंग अछि, इज बीइंग अछि, ऑप्शन बी रे नाही एलिमिनेट करंतु, ऑप्शन सी रे देखंतु नाही, ऑप्शन सी भी एलिमिनेट हो जिवो, ऑप्शन डी रे वाज बीइंग देछि। एवं एक्टिव पैसिव वॉइस रे आपण माने जानिथिबे ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट जागो को जाइथे एवं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जागो को आस्थे। देखंतु सी एठारे सब्जेक्ट, इज रीडिंग होउछि वर्ब, द बुक होउछि एठारे ऑब्जेक्ट, ताले द बुक प्रथमे आसीबो, देन द बुक देखंतु बुक जेहेतु सिंगुलर नाउन सेथिबे सिंगुलर वर्ब रे यूज हेकि इज आसीबो। एव्री डे अछि ना प्रत्येक दिन से बहि पढुछि बुझि होउछि तो सेथिपे इज बीइंग रो यूज हेबो, वाज बीइंग हेबो नाही, प्रत्येक सबुदिन कथा कह जाउछि ना इज बीइंग रो यूज हेजिबो, वाज हूँ पढ़ुला होतीपे ऑप्शन डी एलिमिनेट होगा। सो यार करेक्ट आंसर टी ऑप्शन ए, द बुक इज बीइंग रेड बाय हर एव्री डे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा एवं क्वेश्चन नंबर 19 देखो। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए वन ऑफ द बॉयज डास गिल्टी, ऑप्शन ए इज, ऑप्शन बी आर, ऑप्शन सी हैव ना ऑप्शन डी हैज। वन ऑफ द बॉयज बहुत पिला कौन करते ना बॉयज अच्छी प्लुराल नाउन अच्छी भाविकी प्लुराल भावना यूज करके ऑप्शन डी ऑप्शन बी आर करता जोटा कि संपूर्ण रूपे भूल, आर एठारे यूज हे ना भल भाव बुझा मुझे अलरेडी आपची जदि अ पूर्व आइदर थाए नाइदर थाए वन थाए ताल आपण मैंने सिंगुलर भव को यूज करेंगे किपर देखते सिंगुलर भव रूज है जापर क्वेश्चन को बुझे आपण मैंने जापर वन अफ द बयज इज गिल्टे हो यार करेक्ट आंसर टी हूँ अप्सन ए इज कहीं इज भव रिंगुलर भव रूज है कहले बयज मानक भितर जड़े गिल्टी अनुभव करुच्चे बाड़क मानक मधुर जड़े बाड़क कथा कहुच्छे वन लगेगा ना से सिंगुलर भाव यूज होगा क्लीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा एवं क्वेश्चन नंबर 20 देखो। आज मक टेस्ट लास्ट क्वेश्चन रही द टेल अफ द सिटी डास् माइ फेवरेट बुक, ऑप्शन ए वेयर, ऑप्शन बी आर, ऑप्शन सी इज ना ऑप्शन डी हाफ। देखो नाउन एठार हूँ सिंगुलर नाउन गोटे बुक कथा कहुच्छे ना मोर फेवरेट बुक हूँ द टेल अफ द सिटी ये हूँ बुक र पर्टिकुलर नेम दे यही बुक टी हूँ मोर फेवरेट को बुकटा बुक रहा दे द टेल अफ द सिटी एटा हूँ मोर फेवरेट ताले जेहेतु गोल सिंगुलर नाउन से सिंगुलर भव यूज हो सो यार करेक्ट आंसर टी हूँ ऑप्शन सी द टेल अफ द सिटी इज माय फेवरेट बुक बुझेगा ऑप्शन ए बी डी एलिमिनेट हो जेहेतु सिंगुलर नाउन थिला से सिंगुलर भव यूज होगा। यही मक टेस्ट गुड़िक ओडिशार समस्त एग्जाम पे बहुत इंपोर्टेंट रहिबो समस्त मक टेस्ट प्रथम लास्ट पर्यंत देखंतु जदि किसी डाउट अच्छी निहाते कमेंट माध्यम से जनातु तेल आज मक टेस्ट को यही एंड करवा जदि आपण मक टेस्ट गुड़िक भल लगे निहाती लाइक करेंगे चैनल को शेयर करेंगे सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम ग्रुप में जॉइन होजे जहाँफल आपण को क्लास नोटिफिकेशन ठीक टाइम जी और ठीक टाइम देखिपारे। ओके थैंक यू।